हेलो बच्चों, बहुत तंग करते हैं बच्चे हमको, बार बार कॉल कर देते हैं आपको। सर बच्चे, सर हमें भी नंबर दीजिए ना, हमें भी नंबर दीजिए ना, ऐसे थोड़े नंबर मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो दूसरा डेटिंग होगा वो दूसरे से कितना दूर है? वो टू टाइम्स लीस्ट काउंट दूर होगा, क्योंकि पहले वाला लीस्ट काउंट कम हुआ, दूसरे वाला भी तो लीस्ट काउंट कम हुआ ना, तो दोनों मिलाकर टू टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कम हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे हम, और हम लोगों ने आज के चैप्टर में जो पढ़ना है, आज के टॉपिक में जो पढ़ना है, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, और स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे, तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो खैर, अब हम बात करते हैं यहां पर कि मेजरमेंट्स की जब चीजें होती हैं तो क्या क्या होता है। तो बच्चों, मेजरमेंट की जब बात की जाती है तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स पर जाने से पहले बता देता हूं। तो बेटा, पहली बात आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, ठीक। तो देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी हमने कोई मेजरमेंट ली है तो बेटा उस मेजरमेंट के अंदर एक होती है सर्टेन डिजिट्स और एक होती है अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट्स वो होती है जो एक्यूरेटली मेजर की जाती है, और अनसर्टेन डिजिट वो होती है जिसमें एरर हो सकता है, जिसमें एरर की गुंजाइश होती है, जिसमें एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट से लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, मान लिया, या वजन को मेजर कर रहे हो, तो मान लिया अगर स्केल की बात करें, हमने लेंथ की बात करी, पहले लेंथ उठा लेते हैं, हमने कहा कि हमारे पास स्केल है, ये तो ऐसे हमारे पास स्केल है, ऐसे हमारे पास बेटा स्केल है, ठीक है। अगर इस स्केल को हमने यहां पर किसी चीज को रखा और मान लिया, ये रखने के बाद ये आ रहा है कुछ यहां तक, मैं रखा इसको, ये आ रहा है यहां से लेकर कुछ यहां तक आ रहा है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब अगर देखें तो ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 और 8 के बीच में कुछ आ रहा। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे भैया कि ये जो है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके से है कि 7 और 8 के बीच में है, 7 से बड़ा 8 से छोटा, तो आपने लिख दिया यहां पर, या तो आप रेडी लिखोगे इसकी 7 या लिखोगे 8। अभी बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा आपको, एक काम करते हैं, रीडिंग को चेंज करते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने कहा मान लेते यहां पर रीडिंग है 50, यहां पर है 51, यहां पर है 52 और यहां पर 53, 52 और 53 के बीच में ये है। तो अगर ये 52 और 53 के बीच में है तो आप इसकी रीडिंग या तो 52 लिखोगे या फिर 53 लिखोगे, है ना। तो अब देखो, इस 52 में से जो मतलब है, अगर मान लिया हमने इसकी रीडिंग लिखी 52, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिट है ना, ये सर्टेन है, ये तो 100% सर्टेन है, मतलब इसका मेजरमेंट एक्यूरेटली किया गया है। लेकिन भैया, इसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, मतलब 2 या 3 में कुछ भी हो सकता है ना, ये इसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर नहीं है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताती है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यही बताती है बेटा, एक तो चलती क्लास में फोन आ जाते हैं, पॉपुलर इतने हैं, क्या करें, बहुत तंग करते हैं बच्चे हमको, बार बार कॉल कर देते हैं आपको। सर बच्चे, सर हमें भी नंबर दीजिए ना, हमें भी नंबर दीजिए ना, ऐसे थोड़े नंबर मिलेगा। खैर, देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि जो यहां पर 2 लिखा है, 2 क्या है, अनसर्टेन है, 5 जो है वो सर्टेन है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बता रहा कि कितनी सर्टेन डिजिट्स हैं और कितनी अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है ना। तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इज अ सम ऑफ, सम क्या, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स
प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, वन अनसर्टेन डिजिट, इसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे हमें कहीं ना कहीं प्रिसीजन का भी अंदाजा होता है कि कितना प्रिसाइज कोई मेजरमेंट हो रहा है। तो प्रिसीजन का भी इससे कहीं ना कहीं अंदाजा हमें मिलता है और हमें मालूम पड़ता है कि इस मेजरमेंट में कितनी सर्टेनिटी है और कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई, अब किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो हमने नंबर लिखा है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, तो अलग अलग रूल्स डिजाइन किए गए। ऐसे लिखा है तो इतना, ऐसे लिखा है तो इतना, ऐसे लिखा है तो इतना। तो बेटा हम लोगों को ना वो साइंटिस्ट नहीं बनना है यहां पर फिलहाल, पीएचडी नहीं करनी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, कि अगर इस ऐसे लिखने पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इतनी ही क्यों है। हमें वो रूल्स याद करने, हमारे बड़े लोगों ने वो रूल्स बना दिए हैं, सोच समझ कर बनाए हैं। हर एक रूल के पीछे की एक कहानी है, हर एक रूल के पीछे का एक लॉजिक है। ठीक ना, यहां पर हमें उस लॉजिक में जाकर उसकी कोई मतलब पीएचडी नहीं करनी है, बाल की खाली निकालने की, ऐसा ही हुआ तो ऐसा ही क्यों हुआ, ये वो टॉपिक ही नहीं है बेसिकली। और बहुत सारे टॉपिक में हम करते हैं जहां पर हमें इसे करना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन ये वो टॉपिक नहीं जहां पर मैं आपको कहूं कि नहीं इसकी बाल की खाल भी आपको निकालकर समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा। ठीक है, यहां पर क्या करना है बेटा आपको, यहां पर बहुत छोटी सी बात, मुद्दे की बात जो आप लोगों को करनी है, वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो है आपके पास रूल्स क्या है। तो मैं एक एक करके आपके सामने रूल लिखूंगा और उन रूल्स को मैं आपको ना एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, वो एग्जाम्पल आपने देख लिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रूल बताऊंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जितने भी नॉन डेसिमल नंबर है उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी सर्टेन होंगी। अगर इंटीजर नंबर है तो सारे डिजिट्स क्या है, सर्टेन है, मतलब सारे ही सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आपने लिखा 2, 3, 7, 8, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं वो सर्टेन है ना। नहीं, इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो है जीरो। इसमें भी आपको चीज ध्यान रखनी है बेटा, वो है जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, कहां पर, बीच में, लास्ट में। तो इसको, इस रूल को हम कहते हैं बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखो बेटा, सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब यहीं पे कहीं भी जीरो नहीं है ना, 2, 3, 7, 8, तो चारों क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, चार आ गया। आई बात समझ में आपको, सेकंड केस, अगर यहां पर डेसिमल होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.378, अगर जीरो नहीं है चार ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर जीरो है लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब अगर 2008 है, ठीक है, तो इसमें भी चार सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगी, मतलब जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, डेसिमल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल्सो राइट 20.08, दोनों ही सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगी और इसके अंदर भी आप चार सिग्निफिकेंट डिजिट से लेकर चलोगे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक, अगर आपके पास डेसिमल नंबर नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहा, 2300, डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहा, तब क्या कहेंगे आप, तो बेटा लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस इन
नॉन डेसिमल नंबर और उसको बोल सकते हो इंटीजर नंबर, इंटीग्रल नंबर, ट्रेलिंग जीरोस इन अ इंटीग्रल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट पे अंडरलाइन कर रहा हूं, नॉट सिग्निफिकेंट बेटा, वो मतलब इसके अंदर केवल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होने वाली हैं आपकी, दो ही काउंट होने वाली हैं, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट, लेट मी जस्ट चेंज द बैकग्राउंड फर्स्ट, अभी नया पेज हम लगा रहे हैं तो वो वाइट आ रहा है और बहुत सारे बच्चों की आंखों पे इससे असर पड़ता है और बेटा हमारी आंखों पे भी पड़ता ही है, हम तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं तो हमें भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे बेटा। अगर डेसिमल नंबर हुआ और लास्ट में जीरोस हुई, डेसिमल आई, अगर डेसिमल नंबर हुआ और लास्ट में जीरोस हुई तो बेटा वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक ना। सो ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। तो कुल मिला के बेटा यहां पर चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर है और स्टार्टिंग में जीरोस है, अगर डेसिमल नंबर है और स्टार्टिंग में जीरोस है, लीडिंग है आपके पास, मतलब पहले जीरोस है, जैसे कि 0.0023 ऐसे आपके पास, तो बेटा स्टार्टिंग वाली जीरोस जो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। सो लीडिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर, ऑब्वियसली डेसिमल नंबर ही होगा उसमें लीडिंग होगी, डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कुल मिलाकर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रही है, इसमें बेटा चार, इसमें बेटा दो। तो अब कहेंगे सर थोड़ा सा तो बताओ, आपने कहा ठीक है लॉजिक नहीं बोलेंगे, थोड़ा तो बताओ सर ये वाले जीरो हम सिग्निफिकेंट क्यों नहीं ले रहे, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दीज एज अ सिग्निफिकेंट जीरोस, व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग देम एज अ, हमने सर मेजर तो किया ही है ना इनको भी, बिकॉज हमने इनको मेजर किया है तो दे शुड बी सिग्निफिकेंट। आपने कहा कि सर्टेन अनसर्टेन रीजन होनी चाहिए, तो भैया ये सर्टेन तो लग रहा है, हमने मेजर किया है इसको, तो यहां पर दो तरह की कहानी हो सकती है बेटा, दो तरह की कहानी हो सकती है। सपोज आपने मेजर किया एक ऐसे स्केल से जो केवल और केवल सेंटीमीटर में मेजर करता है, ठीक है ना, आपने केवल सेंटीमीटर में वो मेजर करता है, ठीक है ना, आपने मेजर किया और आया 23 सेंटीमीटर, आया वो 23 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। अब आपने कहा कि लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर, तो आपने कन्वर्ट कर दिया इसको कितने में, 230 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो अब बताओ, अब अगर आप इस नंबर की बात करो, अगर आप इस नंबर की बात करो तो बड़ा अनसर्टेनिटी तो इस 3 में होनी चाहिए, बट अब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको लगेगा कि अनसर्टेनिटी इस नंबर में होनी चाहिए। तो अनसर्टेनिटी आखिरकार किस नंबर में होनी चाहिए, उसमें कि इसमें, तो जहां पर भी बेटा ऐसा कन्वर्जन का खेला आता है वहां पर आपके लिए कौन सी डिजिट सर्टेन है कौन सी अनसर्टेन है देख कर बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक रूल बनाया गया जिसमें हर चीज के पीछे कहानी है, वो कहानी आपको सुना रहा हूं इस केस की, ठीक है ना। एक रूल बनाया गया कि भैया आपको आपको अगर ये बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर के अंदर होंगी तो बेहतर तरीका यह है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। नाउ व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है a इंटू 10^(b) इस फॉर्मेट की, दैट इज अ साइंटिफिक नोटेशन। यहां पर जो a होता है ना बेटा वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, ठीक। इसके बीच में ही नंबर हो सकता है, ये डेसिमल नंबर पे चलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे ना तो आप a को देख के बता सकते हो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक। तो अगर आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर करोगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए थी, और अगर आप मिलीमीटर स्केल से मेजर करते तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए थी, ठीक। तो अब कैसे,
अगर हमें दिखाना है तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप लिखोगे 2.30, ठीक है ना, इंटू 10^2 मिलीमीटर, ऐसे सकते हो, या फिर 2.30 10^1 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जो नंबर है ना, ये आपका ए है, क्या ये 1 और 10 के बीच में है? बिल्कुल 1 और 10 के बीच में 2 है, ठीक है। सो 2.30, तो 2.30 ही लिखा आपने, भले ही सेंटीमीटर में दिखाया, भले ही मिलीमीटर में दिखाया, तो यहां पर ये दिखा रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप ए को देख के डिसाइड करोगे। All the digits in A are significant. Simple सी बात. All the digits in A are significant. तो यहां पर आपके पास आ रही तीन significant digits. Three significant digits. Significant figures कितनी है इसमें? Three है. अगर चार दिखानी होती आपको, तो आप लिखते 2.300 10^2. 2 हो कि 1 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पावर जो मर्जी हो, जो आपने यहां पर लिखा है उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होंगी। तो बेटा इसके अंदर आपके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर आपके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और नंबर आ रहा है कि सर इसमें कितनी होंगी, तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स क्या, जहां पर भी आपका पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जवाब दे देंगे हम आपको, ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं बेटा, ये सारे केसेस हैं, इनको बढ़िया से देख लो संभल लो इनको बढ़िया से, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो समझ में आ गई, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा क्लॉज इसके अंदर और है, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब बेटा वो क्लॉज क्या है, कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, जो मेजरमेंट नहीं है, जो एक फिक्स्ड नंबर है बेटा, उनके अंदर आपकी इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सो नंबर्स लाइक पाई ई हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहली बात। दूसरी बात, सपोज यू आर राइटिंग वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एंड लेट्स से यू आर सेइंग इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, लिख रहे हैं। या फिर आप ये कह रहे हो कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दैट इज 6a², ठीक है भाई, ए स्क्वायर एक का और 6 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर पाई के पास तो इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही, और 4/3 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? बेटा 4 और 3 दोनों ही मेजरमेंट नहीं है यहां पर, 4 एंड 3 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, सो दे विल हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, दे आर नॉट मेजरमेंट्स। सिमिलरली 6 इज अ काउंटिंग, क्या इस काउंटिंग में कोई गलती कर सकते हो आप? अगर मैं आपको कहूंगा कि क्यूब की एक डाइस मैंने आपको दे दी, ठीक है ना, और आपसे पूछा कि कितने फेसेस में गिन के बताओ, तो क्या उस गिनती में भी गलती कर दोगे आप? दैट इज नॉट अ मेजरमेंट, दैट्स अ काउंटिंग, ठीक है ना। So, अगर एक नंबर हमने लिया जो काउंटिंग की वजह से आ रहा है, या इस तरह से कॉन्स्टेंट नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इनमें हमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर चलनी है। आगे बात समझ में? तो ये एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक, जिसका नाम है बेटा राउंड ऑफ कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी बात से हम स्टार्ट करते हैं, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, जब हम राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो राउंडिंग ऑफ के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है 2.352 या 6 9, ऐसे कोई भी नंबर हमने ले लिया, ठीक, एंड सपोज हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, सेकंड डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जहां तक भी आपको राउंड ऑफ करना है ना,
आप उसके अगला नंबर देखोगे, जहां तक भी आपको राउंड ऑफ करना है ना, आप उससे अगला नंबर देखोगे। ठीक है, जो आप ये अगला नंबर देख रहे, जो आप ये अगला नंबर देख रहे, ठीक है ना, अगर ये नंबर ग्रेटर देन फाइव है तब कुछ होगा, लेस देन फाइव है तब कुछ होगा। तो ये यहां पे दिख रहा है आपको क्लियरली, क्या है ये, लेस देन फाइव। इसके अगला नंबर जो मर्जी हो उससे मतलब नहीं है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके आपने अगला नंबर देखा, अगर ये अगला नंबर पांच से छोटा है तो जस्ट रिमूव देम एंड योर आंसर विल बी 2.36, खत्म बात। क्लियर? अच्छा, 2.3692 अगर ऐसे होता तो ठीक, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना था। तो जहां पर आपको राउंड ऑफ करना है आपने क्या किया, उसके अगला नंबर देखा, उससे अगला नंबर देखा। ठीक, अगर ये नंबर ग्रेटर देन फाइव है, पांच से बड़ा है, तो क्या करोगे बच्चा? तो बेटा आप इसमें एक इंक्रीज कर दोगे एंड योर आंसर विल बी 2.37। ओके सर, समझ गए। ठीक, ऑब्वियस है यहां तक, बाकी हट जाएगा बट ये बढ़ जाएगा। ठीक है, सो 2.36। अब आप लोगों के मन में ऑब्वियस एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है अगर उसके अगला नंबर इक्वल टू फाइव है तो क्या करेंगे? तो फिर आप देखोगे कि क्या इस पांच के आगे कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो बता, दो जीरो से बड़ा होता है ना? बिल्कुल होता है। तो आपको वापस से इसको एक राइज करना ही करना है, मतलब आप लिखोगे 2.37। अब फिर से आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर जी, सर जी जरा ये बताओ कि अगर जहां तक राउंड ऑफ करना है अगर उसके बाद वाला जो नंबर है वो पांच है और इसके बाद कोई भी नंबर जीरो से बड़ा नहीं है, या तो जीरो है या तो है ही नहीं, ठीक है ना? सो इक्वल टू जीरो है या तो है ही नहीं, एक ही बात। अब क्या करेंगे सर? अब तो इनमें से कोई केस नहीं लग रहा, अब क्या करेंगे? अब क्या करें? तो हमें अब लौट कर वापस आना है, अब हमें लौट कर बेटा वापस आना है इस नंबर पे, और आपको देखना है कि अगर ये नंबर इवन है तो इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे एंड द आंसर इज 2.36। लेकिन लेकिन अगर यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, उसके अगले नंबर पे गए, ये नंबर पांच है, इसके पहले नंबर पर आए और ये नंबर ऑड है, और ये नंबर ऑड है, तो आपको वापस से एक इंक्रीज करना है, 2.36 अपना आंसर देना है। मतलब ये है तो 2 भी 2.36 है, ये है तो भी 2.36 है। ये सारे केसेस आपके सामने आ गए, ये सारे केसेस आपके सामने आ गए बच्चों। समझ गए बेटा? आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ हमें करना है लेकिन अर्थमैटिक्स के अंदर करना है, अर्थमैटिक ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं, उसमें राउंडिंग ऑफ हमें करना है, अर्थमैटिक ऑपरेशंस। देखो अभी मैंने जब आपको राउंडिंग ऑफ के बारे में बताया कि ये यहां तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये हमें कौन बताएगा कि कहां तक राउंड ऑफ करना है? इसका भी कोई ना कोई एक नियम होगा, कोई रूल होगा ना कि कहां तक राउंड ऑफ करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके रूल्स क्या हैं, वो हमें अर्थमैटिक ऑपरेशंस के हिसाब से राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक, देखो हम यहां पे क्या करें, आइए हमने कहा कि देखो अगर हमारे पास एडिशन है, पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ बता देता हूं आप लोगों। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं। रूल्स क्या है बेटा? रूल्स है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो मिलेगा मिनिमम डेसिमल डिजिट्स, मिनिमम डेसिमल डिजिट्स। जिन नंबर को आप ऐड कर रहे हो उनके अंदर आप काउंट करोगे किसमें कितने कितने डेसिमल डिजिट्स हैं, और उनमें से जिसमें डेसिमल डिजिट्स कम होंगे वो वाला नंबर आपको उठाना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 2.325 एंड 12.1, ठीक 12.1 हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो इसके अंदर तीन डेसिमल डिजिट्स है, तीन डेसिमल डिजिट्स है ना,
हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे काउंट नहीं करने, हमें काउंट करने हैं डेसिमल डिजिट्स कितने हैं। तो बेटा यहां पर डेसिमल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है ना। अच्छा इसमें कितने डेसिमल डिजिट्स हैं, तो बेटा इसमें एक ही डेसिमल डिजिट है, 1 डेसिमल डिजिट, 1DD 1 डेसिमल डिजिट है इसके अंदर। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो हम ढूंढेंगे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम डेसिमल डिजिट कौन सा है भैया। तो आप कहोगे भैया 1 मिनिमम है, तो आपका जो आंसर है उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5, 2, 4, 4, 1 ऐड तो आपको करना आता ही बेटा, आई होप सो, ठीक है, इतना तो मुझे आपसे उम्मीद है। तो अब हम कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अगर हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है ना, तो हम इससे अगले नंबर पे जाएंगे, इससे अगले नंबर पे जाएंगे और हम कहेंगे भैया देखो यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो नंबर है ना ये लेस देन 5 है, और अगर इसके अगला नंबर लेस देन 5 होता है तो आप इसको हटा देते हो एंड द आंसर इज 14.4। आई वाज समझ में, दैट इज हाउ वी कैलकुलेटेड। अब कहां कहां हमें ऐसे ऐड करना पड़ेगा, जैसे पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का, तो आपको लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके निकलता है वो, है ना। जैसे कि आपको रेजिस्टेंस निकालनी है R1+R2 सीरीज के अंदर, R1+R2 से रेजिस्टेंस निकलती है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक ना, R1+R2 होता है। तो जिन जिन फॉर्मुलों में बेटा एडिशन आता है ना, वो सारे फॉर्मुलों के अंदर आपको इस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स ये से राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है कि भैया आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से राउंड ऑफ होते आंसर देना है, ठीक है ना, तब उसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज का कोई इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। रेयरली कोई करने के लिए कहेगा आपको, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बट फिर भी एक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, तो बता रहा हूं। जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की बात करते हैं, अगले बंदे बता देता हूं आपको, जब आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की बात करते हैं ना, तो बच्चा लोग तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के अंदर रूल लगता है मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। तो लगता हूं ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये क्या है SD, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनको डिवाइड कर रहे हैं, उनमें कितनी डेसिमल, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल डिजिट नहीं देखनी यहां पर, सिग्निफिकेंट डिजिट देखनी है आपको, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 2.345 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 1.23 से, ठीक। तो बेटा इसमें देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें कितनी है बेटा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें कितने बेटा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स नहीं देखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखना ही है। तो फाइनल आंसर में बेटा कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके फाइनल आंसर में आने चाहिए, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, तो 3×5=15 हासिल लगा 1, 4×3=12 और 1×13 का हासिल लगा 1, 3×9=10 का हासिल लगा 1, 3×6=7 × 90=46 × 2, 3, 4, 5 ओके ऐड करते हैं 3, 5, 4, 8, 8, 2 3, 2, 5 2.88435 ठीक है। तो 3 डेसिमल डिजिट्स तक हमें इसको करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें इसको करना है राउंड ऑफ, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बनती हैं यहां तक, ठीक है। तो इससे अगला नंबर देख रहे हैं ये लेस देन 5 आ रहा, इसलिए हट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2.88 विल बी द आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम बात करते हैं मिनिमम डेसिमल डिजिट्स की और यहां पर हम बात करते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत चिंता परेशानी वाली बात नहीं, पता होना चाहिए, फिर भी सिंपल सी बात है तो पता होने में कोई नुकसान नहीं है।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। हमारे पास बेटा इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं बेटा उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो ये रहा आपके सामने वर्नियर कैलिपर। कुछ बच्चों ने स्कूल में शायद इस्तेमाल किया होगा इसका वर्नियर कैलिपर का, कुछ बच्चों ने शायद इस्तेमाल ना भी किया हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने डायग्राम है, आप भी अगर गूगल करेंगे तो बेटा आपको वर्नियर कैलिपर के डायग्राम्स इजीली नेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप वीडियो देख सकते हो हाउ दे वर्क, ठीक है ना। और जो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अलग अलग चीजें यहां पर अलग चीज की काम आती है। जैसे कि यहां पर बेटा एक स्केल रहता है, सबसे लंबा स्केल देख रहे हो ना आप, ये बेटा इसको कहते हैं हम मेन स्केल। टर्म सीखो क्या टर्म्स हमारे पास है, इसको कहते हैं मेन स्केल। ये आपका मेन स्केल होता है। उसके बाद हमारे पास एक मूवेबल स्केल होता है जो मूव कर सकता है, ठीक है ना। और वो होता है बेटा ये वाला, इसको देखो, इसको बोलते बेटा वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर स्केल। ये छोटा होता है, मेन स्केल बड़ा होता है। अब ये मूवेबल होता है, ठीक है। तो ये होती है जॉज, ये है बेसिकली एक्सटर्नल जॉज। कौन सी जॉज है? एक्सटर्नल जॉज है, ठीक है। अगर किसी का भी आपको डायामीटर निकालना हो, आउटर डायामीटर निकालना हो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बीच में फंसा देते हैं, बंद करते हैं, तो बाहर जितना भी डिस्टेंस होता है वो आपको मालूम पड़ जाता है यहाँ पर। तो जो भी चीज आप यहां पे रखोगे उसका डायामीटर ये बाहर का मेजर कर सकता है, ठीक। मान लिया ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास है और इसका आपको आउटर डायामीटर मेजर करना है, तो यू कैन यूज दिस टू मेजर द आउटर डायामीटर, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो कुछ इस प्रकार से है, सो यू कैन मेजर द आउटर डायामीटर वेरी वेरी इजिली फ्रॉम दिस, राइट। लेकिन अगर आपको इनर डायामीटर मेजर करना हो, इसका इनर डायामीटर मेजर करना हो, तो अब इसका इनर डायामीटर कैसे मेजर करेंगे आप लोग? तो बेटा इनर डायामीटर मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इस इनर जॉस का। ये एक्सटर्नल जॉस है, ये इंटरनल जॉस आप इसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, कुछ कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसकी थिकनेस होगी, ठीक है, ठीक है। और उसको इनर जॉस में जब आप फंसाएंगे यहां पर ना और उसको खोलेंगे तो ये इंटरनल डायमीटर निकाल लेगा। आई होप आपको थोड़ा सा एक इसमें हिंट मिल गया होगा कि हम इनर डायमीटर का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी की डेप्थ मेजर करनी हो, अगर आपको किसी की बेटा डेप्थ मेजर करनी हो ना, तो ये पीछे से एक रॉड यहां पर एक्सटेंड करती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डेप्थ प्रोब। जिसको भी जिसकी भी डेप्थ मेजर करनी है, जब आप इसको आगे खींचोगे तो यहां से रॉड आगे की तरफ निकलती हुई चली जाएगी। इससे आप मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्नियर स्केल जो मूवेबल स्केल है ना, उसके ऊपर भी मार्किंग बनी हुई होती है और जो मेन स्केल है बेटा उस पर भी मार्किंग बनी हुई होती है। अब ये मेजर कैसे करता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं, एक डायग्राम आपने देख लिया मोटा मोटा, तो अब बात करते हैं इसकी, चर्चा करते हैं इसके बारे में कि क्या हो रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली एक डेफिनेशन की बात करेंगे जिसका नाम है लीस्ट काउंट। हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम मेजरमेंट that can be taken minimum measurement that can be taken from an instrument minimum measurement that can be taken from an instrument is called its least count। कम से कम मेजरमेंट जो ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उतना एरर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कर सकता है, ये भी बोल सकते हो आप इन द मेजरमेंट, ठीक है ना, इन द मेजरमेंट उतना वो एरर कर सकता है, इट इज लाइबल टू डू दैट मच ऑफ एरर, ठीक।
सो लीस्ट काउंट इज अ मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट. ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पर दो स्केल है, एक स्केल आपका ये मेन स्केल है जो फिक्स्ड है, इसके ऊपर मार्किंग्स हैं और इसकी मार्किंग थोड़ी सी बड़ी मार्किंग्स होती हैं. तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसकी मार्किंग्स हैं. ये 0 ले लेते हैं हम, ये 10 ले लेते हैं हम, ठीक है, ये मार्किंग्स हैं. जो वर्नियर स्केल है और मूवेबल स्केल है वो इसके नीचे है. आइडियली जो वर्नियर स्केल का जीरो है और मेन स्केल का जीरो है उसको कॉन्साइड करना चाहिए, अगर जॉज के बीच में कुछ रखा नहीं है, जॉज आपने बंद कर रखी है, ठीक है. अगर ये जीरो कॉन्साइड नहीं करते हैं, जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, तब तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है एक जीरो एरर. तो उसकी बात मैं करूंगा आगे चल के, पर पहले आइडियल कंडीशन की बात कर रहे, जब जीरो और जीरो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे, ठीक है, ओके. और वर्नियर स्केल का जो जीरो जो जो मार्किंग्स होती है थोड़ी सी छोटी होती हैं, इस तरीके से थोड़ी सी छोटी मार्किंग्स होती हैं ये, ठीक है ना, 5 6 7 7 8 9 10, ठीक है, 10. तो वर्नियर स्केल में हम एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे, हम ये कह रहे कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन. वीएसडी क्या है भैया, वीएसडी है वर्नियर स्केल डिविजन, एमएसडी क्या है, एमएसडी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी है ना भाई, लिख दे महेंद्र सिंह धोनी, ये है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन. एमएसडी इज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी इज द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, एंड वीएसडी इज अ वर्नियर स्केल डिवीजन. सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कॉइंसाइड करता हुआ दिख रहा. ठीक, अब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. आई बात समझ में, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, मतलब इतना हम मेजर कर सकते हैं. कैसे करेंगे मेजर, अभी आगे बात कहेंगे, बट इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 वीएसडी माइनस 1 एमएसडी. अब जो यहां पर मेन स्केल है, यहां पर जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जो एक डिवीजन है ना, इस मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो है 1 एमएसडी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एमएम, 1 एमएसडी दैट इज इक्वल्स टू 1 एमएम है ये. सो मेन स्केल का एक डिवीजन 1 एमएसडी इक्वल्स टू 1 एमएम है ये, ठीक है भाई. सो 1 एमएसडी इज 1 एमएम. सो 1 वीएसडी कितना पता नहीं, बट निकाल सकते हैं हम, बिकॉज हमारे पास वो रिलेशन रहा. ठीक है, तो हमने कहा कि भैया 1 वीएसडी किसके बराबर है, 1 वीएसडी है 9/10 एमएसडी के बराबर. ओहो ठीक है सर, समझ में आई बात हमको. और एक एमएसडी तो 1 एमएम के बराबर है, बिल्कुल सही बात. तो 1 वीएसडी बराबर 9/10 इंटू 1 एमएम, 1 एमएम दैट मींस 0.9 एमएम आ गया, बिल्कुल सही बात सर, आ गई बात समझ में. सो 1 वीएसडी इज 0.9 एमएम. Now we'll put here 1 MSD is 1 mm minus 1 VSD is 0.9 mm. Iska matlab ye hua 0.1 mm. So least count is 0.1 mm. Least count is 0.1 mm. That is the least count. 0.1 mm is the least count. I hope aapko ye baat samajh mein aa gayi. Theek hai bachcho? तो हमारे पास आ चुका है लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमको मिल गया, वर्नियर कैलिपर का हमको लीस्ट काउंट मिल गया. इतना आपके पास लीस्ट काउंट आता है एक वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का. ठीक है चलो, तो सबसे पहले तो बेटा हमको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए. मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि 10 वीएसडी आर कोइंसाइडिंग विद 9 एमएसडी, बेटा ये एक केस है, ये एक केस है, मोस्ट पॉपुलर केस है.
ठीक है ना, लेकिन हर बार ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल केस करते हैं, ठीक है, एक जनरल केस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा कि भैया आप 1 MSD बराबर XMM, 1 MSD बेटा कितना है X मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है ना। और वो कह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई N वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद, आर कोइंसाइडिंग विद, आर कोइंसाइडिंग विद N-1 मेन स्केल डिवीजन। N वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, इज कोइंसाइडिंग विद N-1 मेन स्केल डिवीजन। आर भी नहीं बोलना चाहिए, इज बोलना चाहिए, और आई शुड से nth वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद N-1th मेन स्केल डिवीजन when nothing is put between the jaws of the vernier caliper, okay, when nothing is put between the jaws, so now the question is find the least count, find the least count, theek hai, solution karte hain iska, kya tarika bataya beta maine aap logo ko। सबसे पहले आप लिखोगे कि भैया NVSD बराबर N-1 MSD, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आप लिखोगे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो लीस्ट काउंट है बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD, ये लिख देंगे हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। अब MSD किसके बराबर है बेटा, XMM के बराबर है, सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट N-1 XMM। इसका मतलब यह हुआ कि भैया 1 VSD क्या है, 1 VSD है N-1 by N into XMM। अब इन दोनों को यहां पुट करें तो लीस्ट काउंट हमको मिलता है 1 MSD इज XMM माइनस 1 VSD इज N-1 X by NMM, ठीक, XMM तो कॉमन आ गया, N हमारे पास बचेगा 1 माइनस N-1 by N into XMM, कॉमन हमने निकाल दिया। एलसीएम लेते हैं यहां से तो बेटा एन और एन कट रहा तो ये बच रहा X by N MM, मजा आ गया सर, ये हमारा आंसर आ गया X by N MM, हमारा आंसर आ गया। एक्स क्या है यहां पर, एक मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है बेटा वो है XMM के बराबर, डिवाइड बाय N क्या है नंबर ऑफ डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल की कॉन्सर्ट कर रही मेन स्केल के साथ। अगर इसको पुराने वाले कॉन्सर्ट पर लगाते हैं, इस पर लगाते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन पर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर के हिसाब से x क्या है बेटा 1 mm के बराबर है और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी कंसीडर कर रही है 10 कंसीडर कर रही है, ठीक है, तो n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 1 है, तो 1/10 इज 0.1, देखो बेटा 0.1 आ रहा है ना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा, डायरेक्ट निकल रहा। अब 9 10 पे कंसीडर करें कि 19 20 से कंसीडर करें कि 49 50 से कंसीडर करें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। आई बात समझ में आपको, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, ठीक है, तो ये जनरल केस भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं कि हम एक वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले तो ले कैसे, एक वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग ले तो ले कैसे। तो हमने कहा कि जब जॉज के बीच में कुछ भी रखा नहीं था तो 0 और 0 कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन जब जॉ के बीच में कुछ रखेंगे और उसको आगे खिसकाएंगे ना तो अब 0 तो मेन स्केल का 0 तो यहीं रह गया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, क्या मेन स्केल, ये मेन स्केल है। अब जो वर्नियर स्केल है ना, जब आप जोज को आगे करेंगे तो बड़ा वर्नियर स्केल आगे खिसकेगा, उसका 0 यहां से बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा, खट 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 आगे बढ़ रहा, 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 यहां तक आगे मान लिया, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये आ चुका है वर्नियर स्केल का 0, यहां पर पहुंच चुका वर्नियर स्केल का 0 यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब जब वर्नियर स्केल का 0 यहां पर पहुंच चुका है तो अब कौन सी रीडिंग कॉन्साइड करने वाली है हमें देखना यह है, क्या 10वीं रीडिंग कॉन्साइड करेगी अब नहीं। अगर यह 0 एग्जैक्टली इससे कॉन्साइड करता ना तब 10वीं वाली रीडिंग कॉन्साइड करती उसकी आगे आने वाली 9वीं से, ठीक है।
अब नहीं, अब कोई कोई ना कोई और दूसरी रीडिंग जो है वो कंसल्ट करने वाली है, ठीक है। ये पहले ही कंसल्ट नहीं कर रही, तो दसवीं कंसल्ट नहीं करेगी, उसके बीच में कंसल्ट करेगी, ठीक है। तो हमने देखो मान लिया पहली यहां पर है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है, पांचवी यहां पर है, ठीक है ना। और हमने कहा लेट अस से छठवीं जो है वो कंसल्ट कर गई, छठवीं जो है वो कंसल्ट कर गई हमने कहा। अच्छा अब देखो रीडिंग कैसे लेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि जीरो कितना आगे है। तो हमने कहा देखो ये एक मिलीमीटर, दो मिलीमीटर, तीन मिलीमीटर, चार, पांच मिलीमीटर, दस मिलीमीटर, ग्यारह मिलीमीटर और बारह मिलीमीटर। जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो बता रहा कि जो रीडिंग होनी चाहिए वो ग्यारह और बारह के बीच में होनी चाहिए, ग्यारह और बारह के बीच में होनी चाहिए, है ना भाई, बात समझ में आई आपको, ग्यारह और बारह के बीच में होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे रीडिंग इज इक्वल टू, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग। MSR का मतलब क्या है बेटा, ये है मेन स्केल रीडिंग, प्लस समथिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आप 12 कभी नहीं लेंगे, आप जो पहली रीडिंग है बोलेंगे, मतलब इससे जो पहला है बोलेंगे, मतलब 11 प्लस समथिंग, आप बोलेंगे 11 प्लस समथिंग, इट इज 11 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, व्हाट इज दिस समथिंग, समथिंग समथिंग टेल मी समथिंग, समथिंग क्या है बच्चों, बताओ ये समथिंग क्या है। तो कितना ये आगे है ना, हमें ये निकालना है, ये इतना आगे है कि छठी रीडिंग जो है कंसाइड कर रही, ठीक। अब देखो हमें, हम लेट अस कॉल दिस सिक्स एज अ वर्नियर स्केल रीडिंग, इट इज अ वर्नियर स्केल रीडिंग जो कंसाइड कर रही, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है उसको हम लीस्ट काउंट कह रहे हैं, उसको हम लीस्ट काउंट कह रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहां पे दिखाते हैं यहां पर, ठीक है बेटा, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इनके बीच में जो आपके पास छोटा सा बच गया ना, ये है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा जो दूसरा रीडिंग होगा वो दूसरे से कितना दूर है, वो टू टाइम्स लीस्ट काउंट दूर होगा, क्योंकि पहले वाला लीस्ट काउंट कम हुआ, दूसरे वाला भी तो लीस्ट काउंट कम हुआ ना, तो दोनों मिलाकर टू टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कम हो गया, आई बात समझ में, दोनों मिलाकर टू टाइम्स, तीन मिलाकर तीन टाइम्स, चार मिलाओगे तो चार टाइम्स कम हो गया। अब देखो इनका गैप जो है वो 0.2 टाइम्स लीस्ट काउंट, इनका गैप 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, इसका गैप 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, इसका गैप 5 टाइम लीस्ट काउंट, इसका गैप 6 टाइम्स लीस्ट काउंट। तो अगर मुझे इसको आगे ले जाऊं ताकि छठी रीडिंग कोइंसाइड कर जाए, तो मुझे इसको 6 टाइम्स लीस्ट काउंट आगे लेके जाना पड़ेगा, 6 टाइम्स लीस्ट काउंट आगे। ये लॉजिक है इसका, ये लॉजिक है इसका, ठीक है। बट अगेन लॉजिक में बहुत ज्यादा घुसने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल सी बात याद करो। याद क्या करनी है कि भैया लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय बीएसआर, छठा रीडिंग कोइंसाइड इससे तब करेगा जब ये यहां से 6 टाइम बीएसआर, 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट आगे जाएगा, C6 का टाइम्स लीस्ट काउंट आगे जाएगा, तब जाकर छठा रीडिंग कंसाइड करता है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये है VSR इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे बेटा काम चल जाएगा, इस फॉर्मूले को याद कर ले काम चल जाएगा आपका, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो 11 प्लस छठा रीडिंग कंसाइड करता है 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट में लिया 0.1 लीस्ट काउंट। क्वेश्चन देगा आपको लीस्ट काउंट या निकालने के लिए कहेगा, या निकालने के लिए कहेगा, दोनों में से एक बात है। निकालेगा कैसे आप, निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये है आपका निकालने का तरीका, सारा तरीका ये रहा निकालने का। तो या तो क्वेश्चन डेटा देगा निकालने के लिए, या क्वेश्चन ही बोल देगा इसका लीस्ट काउंट इतना है, कुछ भी ना करे तो बाय डिफॉल्ट आप 0.1 mm का लीस्ट काउंट मान के चलेंगे, कुछ भी ना वो कहे, कोई तरीका ना दे रखा हो, ना निकाल पा रहे हो, कुछ नहीं दे रखा हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, या तो बताएगा लीस्ट काउंट इतना है, या फिर वो निकालने के लिए डेटा देगा, बट अगर कुछ ना कहा तो फिर बाय डिफॉल्ट 0.1 लेंगे, मोस्ट पॉपुलर के 0.1 mm का रहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि VSR is 6, लीस्ट काउंट इज 0.1 mm, ये भी बेटा mm में है, ये भी बेटा mm में है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा, 11.6 mm आ रहा। तो बेटा ये देखो डेसिमल से आगे ये 6 पे गया, तो अब 6 आपका अनसर्टेन रह गया, 11 सर्टेन हो गया एक तरीके से, मतलब 11 तो डेफिनेटली है ही, 11 तो डेफिनेटली है ही, उससे 0.6 हम आगे गए हैं, पर 6 कितना, 6 1 6 2 6 3 वो हम नहीं बता सकते, तो 6 में अब अनसर्टेनिटी है,
तीन इसकी आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, और लीस्ट काउंट के बराबर अब उसका मैक्सिमम एरर होता है, मतलब आप कह सकते हैं आंसर इज 11.6 mm प्लस माइनस 0.1 mm प्लस माइनस 0.1 mm, ये आप बोल सकते हो। आई बस समझ में, ये अब आप कह सकते हो 11.6 mm प्लस माइनस 0.1 mm, जो लीस्ट काउंट है उसको आप प्लस माइनस लिख सकते हो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी कहानी यहां पर बाकी है, और वो बाकी है बेटा किसकी, जीरो एरर की। जीरो एरर नामक भी एक चीज होती है बेटा, ये क्या चीज है, जब जीरो आना चाहिए तब जीरो नहीं आ रहा तो वो जीरो एरर कहलाता है, ठीक है ना। तो जब जब जॉस के बीच में कुछ रखा नहीं है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो ऐसे कॉन्साइड करना चाहिए लेकिन ना करे तो वो जीरो एरर है। तो कई बार उसकी जॉस थोड़ी सी घिस जाती है, जीरो आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो, लेकिन जीरो एरर से घबराना नहीं है, अभी समझ में आएगा क्यों नहीं घबराना। ये है जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दो केस यहां पर बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं यहां पे। कौन कौन से केस बन सकते हैं? पहला केस है कि जीरो थोड़ा सा आगे है, अगेन हम इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm लेके चल रहे, सेवंथ रीडिंग हमें कंसीडर करते हुए मिल रही, थोड़ा सा हमको आगे दिख रहा, थोड़ा सा हमें आगे दिख रहा है, ठीक है। पहला केस आपके सामने ही आ गया। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरा केस भी मैं आपको पहले ड्रॉ कर देता हूं। थोड़ा पीछे है ये, थोड़ा पीछे चला गया। दो केस है, लीस्ट काउंट दोनों में मैंने 0.1 लिया, मेन स्केल का डिवीजन मैंने 1 mm ले रखा है दोनों ही केसेस के अंदर। अब देखो तो ये क्या कर रहा, ये रीडिंग थोड़ी सी फालतू दे रहा, ये रीडिंग थोड़ी सी कम देगा, क्योंकि नेगेटिव रीडिंग आएगी ना जीरो एरर यहां पर। यहां पर बेटा पॉजिटिव रीडिंग आ रही, तो जब जीरो था तो जीरो से ज्यादा रीडिंग आ रही, तो मतलब रीडिंग फालतू दे रहा, ठीक है। तो जब रीडिंग फालतू देगा हमें तो रीडिंग कितनी है इसकी, तो इसकी रीडिंग है, जो रीडिंग है वही जीरो एरर है, जो रीडिंग है वही जीरो एरर है। कितना रीडिंग है इसका? जीरो प्लस समथिंग, जीरो प्लस समथिंग, समथिंग क्या है बेटा? 7 × 0.1, खत्म बात, 0.7 mm ही आपका जीरो एरर है। अरे भैया जब जीरो आना चाहिए था तब जो रीडिंग आ रही वही तो जीरो एरर होगा। यहां देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां थोड़ी सी पीछे चली गई, यहां मार्किंग थोड़ी सी पीछे चली गई है, इसका मतलब क्या है? यहां पर जीरो एरर कितना है, यहां पर जीरो एरर कितना है भैया? तो हम कहेंगे देखो यहां पर जीरो से पहले है तो रीडिंग कितनी है? क्या ये जीरो प्लस समथिंग है? नहीं, ये जीरो प्लस समथिंग नहीं है। अब सर ये तो जीरो माइनस समथिंग है, पर माइनस में लेना नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये -1 प्लस समथिंग है? क्योंकि जीरो से पहले क्या होगा बेटा? जीरो से पहले यहां पर -1 समथिंग रहेगा ना, हालांकि हम लिखते नहीं है बट ऑब्वियसली बात है, जीरो से पहले क्या होगा? -1 तो होगा। तो यह है कितना? -1 mm प्लस समथिंग, एंड दैट समथिंग इज 8 × 0.1, दैट मींस -0.2 mm, ये आपका जीरो एरर है। तो बेटा ये है आपका पॉजिटिव जीरो एरर, ये है आपका नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर आपके सामने आ गया, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर आपके सामने आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से दोनों एरर आप लिख पा रहे हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर आपके सामने आ गया। क्लियर बच्चों? समझ गए? कोई परेशानी? ओके, ये हमारे पास वैल्यू यहां पर आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं चर्चा। अब जीरो एरर तो आ गया, इसका करे तो करे क्या? अब देखो ये फालतू रीडिंग दे रहा है ना, तो जब भी कुछ डालोगे हमेशा इतनी रीडिंग फालतू आएगी, तो आपको क्या करना है? इस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना है। ये रीडिंग कम आ रही तो क्या आप जोड़ दोगे इसको? नहीं जोड़ोगे। क्यों? नेगेटिव क्वांटिटी जोड़ दी तो और कम हो जाएगी रीडिंग। आपके आपको इसके मॉड को जोड़ना है, मॉड को जोड़ना है। अब मॉड को जोड़ना है तो
क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हो, घटा सकते इसको। यस, माइनस और माइनस इज ऑल्सो पॉजिटिव ना, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, दोनों केस में घटाना ही है, जोड़ना नहीं है बेटा, दोनों केस में घटाना ही है। ये फालतू रीडिंग दे रहा है इसे घटाना है, ये कम रीडिंग दे रहा है तो जोड़ने के लिए घटाना है इसको, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जोड़ना है तो माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस को प्लस होने के कारण जुड़ जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पर मैं एक कॉमन बात कह रहा हूं, यहां पर मैं कॉमन बात कह रहा हूं जिसको आप करेंगे नोट, और नोट क्या करना है आपको, दैट जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। जीरो एरर हमेशा घटाया जाता है रीडिंग से, कभी भी जोड़ा नहीं जाता, जीरो एरर हमेशा घटाया जाता है रीडिंग से। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, दैट जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग, फ्रॉम द मेजरमेंट। जीरो एरर हमेशा घटाया जाता है, कभी भी जोड़ा नहीं जाता, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। ओके सर जी, समझ गए। अब बेटा यहां पर हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन ये क्या चीज है सर, जीरो करेक्शन क्या होता है? तो बेटा जीरो करेक्शन होता है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, एक ही बात है बेटा, मतलब एक तरीके जो दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप जीरो एरर का इस्तेमाल करके उसको घटा दो, या जीरो करेक्शन का इस्तेमाल करके उसको जोड़ दो, बात एक ही है। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, एंड इट इज ऑलवेज एडेड इन द रीडिंग, इसको हमेशा जोड़ा जाता है और इसको हमेशा घटाया जाता है, ये घटाया जाएगा और ये जोड़ा जाएगा। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों चलो आगे बढ़ते बेटा, अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं हम स्क्रू गेज। अब मोटी मोटी बातें कॉमन सी ही हैं, डिजाइन अलग हो गया, बस डिजाइन अलग हो गया बेटा, ये और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है, ये और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है, इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, और भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए काम आता है। इसकी जॉस देखो बेटा, इसकी जॉस के पीछे डिस्टेंस कितना छोटा था आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा ये एक मेन स्केल है, इसके ऊपर भी मार्किंग बनी हुई है, यहां पर एक सर्कुलर सर्कल बहुत फाइन मार्किंग बनी हुई है, वेरी फाइन मार्किंग, ठीक है ना। और ये आपके पास यहां पे रैचेट होता है, इसको घुमाते हैं आप, तो बेटा इनकी जॉस के बीच का डिस्टेंस जो है वो खुलता रहता चलता चला जाता है, और यहां पर भी मेन स्केल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसे घुमाते हैं आप तो घुमाने पर क्या होता है बेटा, ये पीछे हटता है, और मेन स्केल के ऊपर का जो ये होता है ये भी पीछे हटता है, तो ये हटता है, ये पूरा इसके साथ बंधा हुआ होता है, तो ये पीछे हटता है, ये भी खुलता है, और जो मेन स्केल है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, और यहां पर बेटा एक सर्कुलर स्केल भी होता है। ठीक है बच्चा, देखो ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको यहां पर क्या हो रहा। तो हमने कहा कि यहां पर हमारे पास बेटा एक मेन स्केल है, और यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल। सो मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल हमारे पास आ गए, ठीक। तो यहां पर बेटा हम डिफाइन करते हैं क्या पिच, पिच क्या होता है, यहां पर हम डिफाइन करते हैं पिच, पिच क्या होता है बेटा। तो पिच होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन of the सर्कुलर स्केल, कि एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना मेन स्केल एक्सपोज हो रहा, कितना मेन स्केल पे चला जा रहा है इस सर्कुलर स्केल के द्वारा, ये पूरा सर्कुलर स्केल पीछे हटता है ना, तो जब इसको घुमाते हो तो कितना चल रहा है, ये आपको बताना है, दैट इज अ पिच बेसिकली। सो नॉर्मली एक 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 डिविजन के बराबर चलता है नॉर्मली, सो नॉर्मली हम कह सकते हैं नॉर्मली पिच इज नथिंग बट 1 msg, ठीक है। सो इफ द मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm
एंड देर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमने एक तरीके से इसकी एक डिवीजन को 100 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना, एक डिवीजन को 100 भागों में बांट दिया है। ऐसे में हम लीस्ट काउंट लिखते हैं पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, मतलब 1 mm डिवाइड बाय 100 मतलब 0.01 mm का हमको मिल रहा लीस्ट काउंट, 0.01 mm का हमको मिल रहा है यहां पर लीस्ट काउंट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, लीस्ट काउंट इज 0.01 mm आपको मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, दैट इज अ लीस्ट काउंट दैट वी कैन हैव, ठीक। अच्छा भाई, अगर लीस्ट काउंट 0.01 mm है तो ये और भी प्रिसाइज हो गया। हमने देखा था कि 0.1 mm का लीस्ट काउंट आ रहा था वर्नियर कैलिपर में, यहां पर आ रहा है 0.01। ये बहुत सबसे कॉमन जो आपके पास है वो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भी और लीस्ट काउंट आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब रीडिंग कैसे लेनी है, वही चीज है, वही तरीका है। आपको देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए इसको जब हमने घुमाया तो मेन स्केल कितना आया बाहर निकल के, तो मान लिया मेन स्केल कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा, और यहां पर बेटा एक जीरो हमारे पास है, यहां पर बेटा हमारे पास एक जीरो रहेगा। मेन स्केल मैंने नीचे बना दिया, मुझे ऊपर बनाना चाहिए था मेन स्केल, एक बीच में एक ऐसे लाइन जाती है यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 कुछ ऐसे हमारे पास है, और यहां पर बेटा हमको कोई रीडिंग दिखेगी सर्कुलर स्केल पे, ठीक। तो मान लें यहां पर रीडिंग हमको दिख रही है 27 की रीडिंग हमको दिख रही है। लीस्ट काउंट हम कह रहे हैं हमारे पास है कितना 0.01 mm का, और हम कह रहे हैं 1 MSD कितना है, ये है हमारे पास 1 mm के बराबर। समझ गए, ओके सर। अब क्या कर सकते हैं, देखो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द रीडिंग। तो हम कहेंगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लियरली जो रीडिंग हम लिख रहे हैं यहां पर कैसे लिखेंगे, 7 units तो हम आगे आ गए, 7 mm लिखेंगे हम, 7 mm प्लस समथिंग, नाउ दैट समथिंग इज जो यहां पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, दैट इज 27 इनटू लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, खत्म बात। तो हम कह रहे हैं ये है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला आपका बन गया। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 7.27 mm का आंसर आ रहा, 7.27 का आंसर हमको मिल रहा, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। क्या सर इसमें भी जीरो एरर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो एरर इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, वही पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया, जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया तब हमें जीरो इसका इस तरीके से दिख रहा, और यहां कहीं पर एक रीडिंग आ रही, लेट अस से ये आ रही कितनी 68, कुछ भी हमने मान लिया, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कुछ ऐसे हमें दिख रहा, ठीक, रीडिंग आ रही है हमें 68। अब क्या करें, अब क्योंकि जीरो दिख रहा है, जीरो हमें प्रॉपरली दिख रहा है, उसके आगे स्पेस दिख रहा है, यहां पर रीडिंग जीरो ना आके 68 आ रही, तो क्योंकि जीरो दिख रहा है ना, तो ये जीरो प्लस समथिंग हो गया, जीरो प्लस समथिंग हो गया, तो जीरो एरर विल बी जीरो प्लस समथिंग। नॉट दैट समथिंग इज 68 इंटू 0.01 mm, खत्म बात। तो ये 0.68 आ गया, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रीडिंग से, जो भी आप ऑब्जेक्ट रख के मेजर करोगे उसमें से इतना रीडिंग को आपको सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। और अगर हम बात करें बेटा जिसमें जीरो हिडन होगा तब क्या होगा भाई, आपको जीरो दिख नहीं रहा, सो जीरो इज हिडन। तो जब बेटा जीरो हिडन होगा, जीरो नहीं दिख रहा होगा, उस केस में क्या होगा, तो आप कहोगे भैया जीरो नहीं दिख रहा है तो हमें लिखा यहां पर -1 mm लिखा, क्योंकि जीरो नहीं दिख रहा है, हमें लिखा -1 mm,
प्लस समथिंग एंड दैट प्लस समथिंग इज 25 into 0.01 mm दैट इज व्हाट वी गेट. तो सॉल्व करते हैं तो मिलता है -0.175 mm. अगेन इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना. बट करना सब्ट्रैक्ट ही है, विद वैल्यू विद साइन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली. तो जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव ऑफ इट एंड इट विल ऑलवेज बी एडेड इन द रीडिंग. तो ये थे बेटा आपके पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना. तो करके जाना है, बढ़िया से बता दिया, सिंपल चीजें हैं, मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है बच्चों. तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है. तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बींग. मिलेंगे अगले लेक्चर में. सी यू, टाटा, बाय बाय. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.